हेलो दोस्तों, तो यार कैसा आप लोग। तो गाइस अभी ने रिसेंटली मैं मार्केट ब्लॉग बनाने गया था और वहाँ पे मुझे एक बहुत ही यूनिक चीज़ देखने को मिली। वो क्या? वो था ये मेटा शॉट। अब आप इसे देख के कह रहे हो कि भाई ये मेटा शॉट क्या है, तो इसका बॉक्स मैं खोल के जब आपको दिखाऊंगा ना, तो आपको ये पता चलेगा इसमें एक बैट है और उस बैट के थ्रू हम अपनी क्रिकेट की गेम खेल सकते हैं। कहाँ खेल सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं, ये सारी चीज़ आगे आपको बताऊंगा। बट गाइस ये मेटा शॉट की वेबसाइट वगैरह से आप परचेस कर सकते हो। इसके प्राइस की बात कर लें, विदाउट केबल के आप 5000 में ले सकते हो, विद केबल आपको 1500 ज़्यादा पे करना पड़ेगा, यानी 6500 में विद केबल ले सकते हो। विदाउट केबल भी अगर आपके पास HDMI कन्वर्टर है तो ये बढ़िया से वर्क करेगा। और मेरे पास ये जो है ना, ये यूनिट ये विद केबल वाला है, ताकि आपको पता चल जाए कि केबल का क्या यूज़ है और विदाउट केबल क्या यूज़ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले डब्बा खोलेंगे, देखेंगे अपना बैट कैसा रहता है और इसके अलावा मैं आपको गेमिंग करके भी बताऊंगा। और इसके लिए ना गाइस कोई भी VR नहीं रिक्वायर्ड है, ये आपको VR में गेमिंग नहीं कराएगा, ये आपको नॉर्मल स्क्रीन में आपकी गेमिंग कराएगा। एक IB क्रिएट करके आता है वो VR वाला होता है, बट ये VR वाला नहीं है, ये नॉर्मली स्क्रीन पे गेमिंग करने के लिए है। और ये आपको कैसे गेमिंग कराएगा, ये आपके एंड्रॉइड फोन के थ्रू TV में गेमिंग करा सकता है, iOS फोन के थ्रू भी TV में गेमिंग करा सकता है और आपके विंडोज PC में भी ये वर्क करेगा। तो गाइज ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होके आपका अच्छा खासा गेमिंग करा देगा। पहले तो चलो इसका डब्बा खोल लेते हैं और भाई गेम प्ले भी करूंगा मैं, क्योंकि 2-4 छक्के हम भी मारें। फटाफट से डब्बा खोलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है हमारा मेटा शॉट। सिवा इस तरीके से रहता है हमारे मेटा शॉट वाले बैट का बॉक्स, और बॉक्स थोड़ा सा डैमेज हो गया आने में। एंड देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ मेटा शॉट स्मार्ट बैट विथ MHL केबल, मतलब ये केबल वाले के साथ है। विदाउट केबल आप लोगे तो थोड़ा आपको सस्ता ही पड़ेगा। एंड बैक साइड में आ जाए तो देख सकते हो पूरा ब्लैक कलर का बॉक्स है, बैट के साइज का बॉक्स है, सामने मेटा शॉट लिखा हुआ है। तो ये ओपन करते हैं, इस तरीके से अंदर बैट रहेगा हमारा मेटा शॉट वाला। और बैट देख सकते हो भाई छोटा सा बैट है, यहाँ पे ये LED लाइट्स हैं इसकी, सामने यहाँ पे मेटा शॉट लिखा हुआ है, पीछे की साइड में एक बटन है। और अंदर क्या रहता है वो देख लेते हैं। अंदर यहाँ पे हमारे को MHL वाली एक केबल देखने मिल जाती है। केबल को निकाला जाए तो देख सकते हो कुछ इस तरीके की केबल रहती है। यार ये केबल बहुत ही यूज़फुल केबल है, मतलब इस बैट में भी नॉर्मली HDMI वगैरह से अगर आप फ़ोन कास्ट करना चाहते हो तो भी उस यूज़ में आपकी ये केबल आ जाएगी। यहाँ पे आपको HDMI देखने मिल जाता है, TV में HDMI लगा लो, या तो iPhone को कास्ट कर लो या फिर Type-C के थ्रू कास्ट कर लो। एंड उसके अलावा भी यहाँ पे देखा जाए तो Micro USB भी है, तो Micro USB, Lightning और Type-C तीनों पोर्ट देखने मिल जाते हैं थ्रू HDMI। तो HDMI से ये तीनों भी डिवाइसेज आप कास्ट कर सकते हो, जो भी आपके मोबाइल में पोर्ट है। अगर आप अपने फ़ोन को उसी टाइम पे चार्ज करना चाहते हो तो किसी पावर प्लग में प्लग कर दो इसे, फ़ोन आपका साथ ही साथ में चार्ज भी होता रहेगा, या फिर अपने TV में ही प्लग कर दो, क्योंकि TV में भी USB पोर्ट होता है, तो वहाँ पे भी ये आपका फ़ोन चार्ज कर देगा। तो केबल तो काफ़ी बढ़िया है, विदाउट USB भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, विदाउट USB भी ये कास्ट कर सकता है। एंड उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे इस तरीके का एक देख सकते हो कार्ड मिल जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैन मी टू डाउनलोड द ऐप, और मैनुअल के लिए यहाँ पे दिया है। ये बढ़िया है यार, एक कार्ड दे दो मैनुअल और ऐप के लिए, सिंपल सा, बहुत ज़्यादा मोटी यूज़र मैनुअल देने का क्या ही मतलब है। एंड यहाँ पे देख सकते हो सिम इजेक्टर टूल भी दिया गया है हमको। उसके अलावा एक और छोटी सी यूज़र मैनुअल USB टू HDMI केबल डोंगल के लिए, कैसे कैसे आपको कनेक्ट करना है, और किसी भी TV में आप कास्ट कर सकते हो, चाहे TV स्मार्ट हो या नॉन स्मार्ट हो, दोनों TV में ये कास्ट कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं हमारे को इस डब्बे में। तो या अपने बैट पे नज़र डालें तो यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करोगे तो ये बैट हमारा पावर ऑन हो जाएगा। एंड चार्जिंग के लिए देख सकते हो यहाँ पे Type-C पोर्ट दिया ही गया है, और बाकी रीसेट वाला बटन भी इधर ही है, तो रीसेट भी यहाँ से हम कर सकते हैं। तो अगर कोई कभी ग्लिच आ जा रहा है तो इसे रीसेट भी कर सकते हो। तो चलो पहले इसको कर लेते हैं फटाक से चार्ज। जब तक हमारा बैट चार्ज हो रहा है तब तक इसके ऐप को देख लेते हैं। ऐप यहाँ पे देख सकते हो मेटा शॉट नाम से रहता है, और ये ऐप आपका एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ में भी सपोर्ट करेगा, मतलब आप अपने PC में भी खेल सकते हो। तो ये जो ऐप है ये एक तरह से गेम ही है, तो इसको आप जैसे ही ओपन करोगे इस तरीके से ही ओपन होगा। सो इस तरीके से इनका ऐप ओपन होगा, और ओपन होते ही सामने देख सकते हो कुछ मोड दिए गए, जैसे नेट मोड है, मल्टीप्लेयर है, क्विक प्ले है, वीकली चैलेंज है। और वीकली चैलेंज अगर आप खेलते हो ना और अच्छा स्कोर करते हो तो यहाँ पे आपको 500 रुपये का Amazon का वाउचर भी मिलता है। यार ये तो मतलब बहुत ही यूनिक चीज़ लगी, क्योंकि मुझे खुद ही रिसीव हुआ, मैं आपको आगे यहाँ पे डाल दूंगा स्क्रीनशॉट। मुझे 500 का Amazon का वाउचर मिला गेम खेलने से, मतलब वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। एंड मल्टीप्लेयर वाला सेक्शन काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें आप 4 लोग खेल सकते हो। लोकल मल्टीप्लेयर खेलोगे ना तो देखो पहले तो कनेक्ट करना पड़ेगा अपने बैट को, तो मैं बैट लाके कनेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे बैट को हमने ऑन कर लिया है इस तरह से बटन दबा के, और यहाँ पे देखा जाए तो हमें ब्लूटूथ का जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे कनेक्ट दबाना है, और फिर से एक बार बटन दबा दो, ग्रीन इंडिकेटर ऐसे जलेगा बैट में भी और स्क्रीन पे भी, तो हमारा बैट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने बॉट के साथ एक मैच स्टार्ट किया है, जहाँ पे हमें एवरेज डिफिकल्टी में 6 बॉल पे 16 रन चाहिए।
एंड उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो हमें स्टांस कैसे लेना है। हमें स्टांस लेने के बाद जो बटन है बैट में उसे दबा देनी है तो ये बैट ट्रैकिंग ऑन हो जाएगी। तो आप अभी समझ गए हो कि हाँ बैट ट्रैकिंग कैसे यहाँ पे ऑन करनी है। ये एक्यूरेट स्टांस लेने के बाद ही आप करना, नहीं तो बैट ट्रैकिंग गड़बड़ हो सकती है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि अब बैट ट्रैकिंग एकदम ऑन होगी, एकदम अच्छे से मेरा बैट ट्रैक हो रहा है। उसके बाद बॉल गिरते ही मुझे अपना शॉट लेना है। जैसा कि आपने देखा मैंने अपना शॉट लिया, और शॉट लेके थोड़ा सा स्टांस आप होल्ड करोगे ना तो वो बहुत ही एक्यूरेट होगा। शॉट जैसे आप बैट का लोगे, आप इधर उधर अगर आप बैट कर दिए तो वहाँ पर थोड़ा सा इनएक्यूरेसी रहती है, बट आप शॉट लेने के बाद अपने पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड करना। जैसे कि आप ये वाली बॉल पर देख सकते हो कि बॉल लेग में आ रही है, तो ये शॉट मैं थोड़ा सा लेग में ही लूँगा। एंड देखो भाई, बस टाइमिंग का खेल है इसमें। और अगर आपने परफेक्ट शॉट लेके अपने बैट को वहीं पे होल्ड किया तो ये काफ़ी बढ़िया से काम करता है। और जैसे ही आपका परफेक्ट शॉट लगेगा पीछे ग्रीन लाइट भी जलती है। और यहाँ पे मैंने मैच को जीत लिया है, जैसे कि आप देख ही सकते हो 2 बॉल बची है। आप मैच जीतते हो तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, मेटा पॉइंट जो भी आप बोल लो वो पॉइंट्स मिलते हैं। उन्हीं पॉइंट्स के मुताबिक आप वीकली चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर अलग अलग मोड्स खेल सकते हो, तो वो पॉइंट खर्चते भी हैं। तो इसमें इन गेम कुछ करेंसी वगैरह खुद से नहीं स्पेंड करना है, उल्टा अगर आप वीकली चैलेंज जीतते हो या टॉप 10 या टॉप 50 या ऐसे कुछ में आते हो तो आपको अमेजोन का वाउचर भी मिलता है। 25,000 तक का ये लोग वाउचर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैं वीकली चैलेंज ही खेल रहा हूँ, और यहाँ पे डिफ़िकल्टी आपकी एक्सट्रीम हो जाती है। ऑब्वियसली जब पैसे वाली बात आती है तो डिफ़िकल्टी एक्सट्रीम ही रहेगी, बट यहाँ पे 6 बॉल में आपको एग्जैक्ट 11 रन बनाने हैं, ना ही उससे कम ना उससे ज़्यादा। बॉल भले ही आपकी कम रहे चलेगा, कम बॉल में भले ही 11 रन बना दो चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट 11 रन ही आपको बनाने हैं तभी आप जीत पाओगे इसको। तो देख ही सकते हो भाई बॉलिंग कितनी यॉर्कर और डिफ़िकल्ट हो रही है। एंड 11 रन बनाना इजी है बट उससे ज़्यादा रन बन जाते हैं, तो वो नहीं आपको होने देना है, आपको एग्जैक्ट 11 रन ही बनाने हैं। इसके बाद बात करें तो सबसे फेवरेट मोड मेरा है वो है मल्टीप्लेयर मोड। यहाँ पे लोकल और ग्लोबल में भी खेल सकते हो। आप लोकल में खेलोगे तो आप ही के 4 दोस्तों के साथ आप खेल सकते हो, मतलब 1 बाय 1 करके आप बैटिंग करोगे। जैसे यहाँ पे 2 नाम ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको ऐड करके 2 और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे पहला नाम में 28 मैंने लिखा है, दूसरे में आप अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हो या प्लेयर 1 प्लेयर 2 करके कुछ भी जो चाहो आप वो लिख सकते हो। ऐसे करके आप 4 लोग खेल सकते हो भाई, मतलब 1 बाय 1 करके खेलोगे आप। ऐसा नहीं कि चारों के पास बैट होना चाहिए, बैट एक ही यूज़ होगा। 1 बाय 1 करके आप खेलोगे और जो सबसे ज़्यादा रन बनाएगा वो विनर होगा। इसके अलावा आपको नेट्स मोड में मिलता है। अब नेट्स मोड में वही नेट वाली ही चीज़ें रहेंगी, मतलब नेट रहेगा चारों तरफ आपके, और आपको शॉट वगैरह लेने हैं, जो भी शॉट मारोगे आप वो लड़के वापस बाउंस बैक होकर वापस आएंगे ही। तो नेट्स मोड में भी आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, आपकी टाइमिंग वगैरह यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कितने ओवर का खेलना है कितना है। तो देख ही सकते हो भाई नेट्स मोड भी ऐसा ही रहेगा कुछ। और वन ऑफ द बेस्ट मोड जो मुझे लगा, जिसे बहुत ज़्यादा मैं खेलता हूँ, वो है सीक्वेंस स्टार। और इसे खेल के आपको कॉइन्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो सीक्वेंस स्टार का रूल ये है कि यहाँ पे जिस बॉल पे जो रन लिखा गया है वही रन आपको बनाने हैं। जैसे फर्स्ट बॉल पे 1 रन लिखा गया तो आपको 1 ही रन बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड बॉल पे 6 है तो 6 ही बनाना है आपको। ऐसे ऐसे करके आपको सीक्वेंस स्टार खेलना है जिससे आप जीत के अच्छे खासे कॉइन्स अर्न कर सकते हो। अब देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग तो बैट मुझे काफ़ी इंटरटेनिंग लगा ओवरऑल, स्पेशली जब आप अपने दोस्तों के साथ हो 3-4 लोग खेल रहे हो तो बहुत मज़े आते हैं भाई। हम लोग खेलते हैं ना बहुत मज़े आते हैं, एंड कुछ उटपटांग शॉट भी लग जाते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा एज वेज लग के भी छक्के चले जाते हैं। थोड़ा सा इनको ऐप में ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत है, इससे मैं डिसअग्री नहीं करूँगा 100%। थोड़ा सा ऐप इनका ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, बट हाँ फिर भी जितना है उतना में मज़ा आता है, काफ़ी मज़ा आता है भाई। एंड प्रोडक्ट इनका बहुत अच्छा है, नो डाउट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर पर इनको काम करने की ज़रूरत है, अपने गेम को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऑल दो ये एक इंडियन कंपनी है, इंडियन बंदों ने इसे बनाया है, तो बिल्कुल इसे हमें सपोर्ट करना चाहिए। एंड बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, एक बजट में ही कह सकते हो 4-5 हज़ार रुपये में। तो आजकल एक PS5 की गेम आती है तो 5 हज़ार रुपये में आपको ये वाला बैट मिल जा रहा है। एंड उसके अलावा केबल के साथ आप चाहो तो 1500 और पे कर लो, या फिर आपके पास ऑलरेडी एक HDMI और फ़ोन में कन्वर्ट करने की केबल है तो वो कर ही सकते हो, या फिर आपका फ़ोन वायरलेसली अगर स्क्रीन पे कास्ट हो जा रहा है तो भी केबल की आपको ज़रूरत नहीं है, तो भी आप वैसे ही ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से यार एक इंटरटेनमेंट और फन के लिए ज़रूर से एक बार इस प्रोडक्ट को आपको ट्राई करना चाहिए। सारी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय एंड सी इन द नेक्स्ट वन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर, क्योंकि ऐसे ही यूनिक यूनिक चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँ, आप लोगों को पता है यार। चलो, see you in the next one. Bye.